में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं बड़ी खबर का। देवरिया से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बदमाशों ने कलेक्शन मैनेजर को गोली मारी है। आपको बता दें कि कैश वैन को लूटने आए थे ये बदमाश। कैश वैन के गार्ड ने एक बदमाश को गोली मारी। लूट की बड़ी वारदात होती होती असफल हो गई। आपको बता दें कि दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया जा चुका है। दो बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। नाकेबंदी पर पुलिस जांच में जुटी है। सदर कोतवाली के बजाजी गली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर कैश वैन कैश को लूटने की वारदात जो है वो असफल सामने आई है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं देवरिया से जहां पर बदमाशों ने कलेक्शन मैनेजर को गोली मारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए देवरिया से हमारे साथ घनश्याम जुड़ चुके हैं। घनश्याम, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? जी, आपको बता दें कि आज लगभग 12 बजे HDFC बैंक से अटैचमेंट है जो CMS वो बैन लेके सभी छुट्टी होने के नाते सभी बैंकों से कलेक्शन जो प्राइवेट संस्थान है उनसे कलेक्शन किया था, जिसमें जो वहाँ के बैंक कर्मी है उन्होंने बताया कि प्रियंका बजरंग लक्ष्मी तीन जो दुकान है उनसे पैसा लेके आ रहे थे और वैन में बैठने जा रहे थे, तभी बाइक पर तीन बदमाशों ने गोली मारी और गोली मारने से जिससे कस्टोडियन प्रभुनाथ पांडे जो कस्टोडियन है उनको पेट में लगी और ये पैसे लेके छीनने का प्रयास किया। तब तक गार्ड जो था योगेंद्र तिवारी उन्होंने भी गोली मारी बदमाश को, बदमाश घायल होकर गिर गया और दो जो बदमाश साथी थे वो फरार हो गए। अब बाकी जो वहां पे जो भी गार्ड थे साथ में उन्हें पकड़ के बदमाश को पुलिस को दे दिया और पुलिस दोनों की हालत नाजुक है, जिसमें जो ये प्रभुनाथ पांडे हैं कस्टोडियन जो थे CMS के उनकी हालत नाजुक देखते उन्हें मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया है, जबकि बदमाश जो यही देवरपुर थाना के जो गिरफ्तार होने के बाद अस्पताल में आने से पता चला कि वो बदमाश कौन है तो बदमाश का नाम जो सामने प्रकाश आया है शिवम सिंह है जो भदिला जो बदरपुर थाना क्षेत्र इसी जिले के रहने वाला है। जी घनश्याम, और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी इस मामले को लेकर जांच पड़ताल जो है वो हो। जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।